गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो जब शुरुआत की जाती है इसकी तो हम जानते हैं सॉल्ट बनने के लिए एक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता क्या है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब एनायन, अगर हमारे पास कोई एक एनायन है, एनायन एच पॉजिटिव, वाटर के एच पॉजिटिव को इजीली ग्रैब कर लेता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो ए नेगेटिव एच टू के वाटर के एच को ग्रैब करेगा तो इससे एसिड बनेगा, और जो ओ एच नेगेटिव निकल रहा है यानी ओ एच नेगेटिव के बनने की टेंडेंसी जब आयन के का वाटर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाती है। हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली द रिएक्शन ऑफ एनायन एज वेल एज कैटायन विद वाटर बाय डिसोशिएटिंग द ओएच बॉन्ड। हियर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है ओ और एच का। अगर हमारे पास ये एनायन है और एक कैटायन की हम बात करते हैं तो कैटायन जब ब्रेक होगा तो इस केस में ओ और एच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ओ एच जो है ये बी पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, और इस केस में ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें मिल जाएगा बी ओ एच प्लस एच पॉजिटिव। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम बात कर रहे हैं कि अगर एनायन और कैटायन दोनों इन्वॉल्व हैं सॉल्ट में तो वो किस तरीके से हाइड्रोलाइज होते हैं। हाइड्रोलिसिस में ए नेगेटिव एनायन जो है एच पॉजिटिव को ले लेता है और बी पॉजिटिव कोई भी कैटायन है वह ओ एच नेगेटिव को लेता है और लीविंग बिहाइंड एच पॉजिटिव एंड हियर ओ एच नेगेटिव। यानी अगर कोई भी हमारे पास एसिड है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बेसिक प्रोडक्ट बनाएगा, और कैटायन अगर आता है तो वह हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब जब एनायन और कैटायन डिसोशिएट होते हैं और डिसोशिएशन के बाद ओएच नेगेटिव क्लीव होता है, यह प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाती है। हाइड्रोलिसिस जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है तीन तरीके से हो सकता है। जब सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ हो, यहाँ पर दो वर्ड यूज कर रहे हैं हम एसिड और बेस, लेकिन एक बार हमने लिया है वीक एसिड और दूसरे में हमने लिया है वीक बेस, वीक बेस और दूसरे में हमने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, और थर्ड हमारे पास कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब हाइड्रोलाइज होता है, लाइक हमारे पास सॉल्ट है NaCl का, तो NaCl हाइड्रोलाइज होने का मतलब सिंपली इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाता है। तो तीन कंडीशन हमारे पास है, और एक कंडीशन और अराइज होती है जहां पर सॉल्ट बनता है वीक एसिड और वीक बेस का, और जहां पर हम इसकी बात करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और जो हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस है, इसका एक एग्जांपल हमारे पास है CH3COONH4। और तीन कैटेगरी से का हम हाइड्रोलिसिस प्रॉपरली समझेंगे, क्योंकि सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि हमने एग्जांपल दिया NaCl, NaCl अपने आयंस में टूट जाता है, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज, बट हाइड्रोलिसिस होती है सिर्फ तीन कैटेगरी में, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वी हैव एग्जांपल CH3COONH, ये बनेगा वीक एसिड एसिडिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है NaCl, NaCl के साथ साथ दूसरा हमारे पास सॉल्ट ऑफ जो वीक एसिड बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है NH4Cl, और थर्ड कैटेगरी का हमारे पास है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जो सॉल्ट बनता है, हमने एग्जांपल लिया है CH3COONH का, तो ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलिसिस में हम जानते हैं CH3COH इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COONH
एनए, तो इसका जो ये बेस है हमेशा एसिडिक प्रोटॉन को लेगा, तो एसिडिक प्रोटॉन वाटर के एच पॉजिटिव को लेता है तो ये बनाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच और ओ एच निगेटिव. नाउ द हाइड्रोलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट विल बी द बेसिक वन ड्यू टू द ओ एच निगेटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में ओ एच निगेटिव आयन होगा तो यह नेचर इसका बेसिक बना देगा. अगर इस पूरी इक्वेशन को हम ध्यान दें या इसका एस्पेक्ट हम ए निगेटिव के टर्म्स में लें तो हम इसका क्वांटिटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इजीली समझ सकते हैं. और उसको समझने के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करेंगे. इस तरीके से जो हमारे पास है के ओ एच, अगर हम इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालें विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है वह हमेशा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, हमारे पास प्रोडक्ट है एच ए, इनकी कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन और इनके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो के बराबर होता है. तो के फॉर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर दिस इक्वेशन वेयर द सॉल्ट इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, तो यहाँ पर ए निगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ H2O negative. We know the concentration of H2O, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये quantity भी constant quantity रहती है. इसका मतलब कि अगर हम इसको H2O से multiply करते हैं इधर तो ये हमें मिलेगा HAOH negative divided by A negative. तो इस overall quantity को हम indicate करते हैं KH से, जिसको नाम दिया जाता है hydrolysis कॉन्स्टेंट. और इस हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. के एच विल नाउ बिकम कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव. ये कब हुआ? जब हमने इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया. नाउ वी कैन इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट के डब्ल्यू एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड. ये W मतलब यहाँ पे वाटर की हम बात करते हैं, A का मतलब हम एसिड की बात करते हैं. एसिड का रेट कॉन्स्टेंट, वाटर का रेट हाइड्रोलिस कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और ये हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट है. तो इन तीनों के रिलेशनशिप को देखने के लिए हमें वाटर का हाइड्रोलिसिस अगर देखना है तो हम देख पाएंगे H2O जब भी डिसोशिएट होगा, हम जानते हैं OH नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए KW हमें मिल जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन ऑफ H2O. ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये भी हमें इस तरीके से मिलेगा H पॉजिटिव. ये रहा हमारा कांस्टेंट KW, KW वाटर का कांस्टेंट. अब जब एसिड के कांस्टेंट की बात करेंगे तो एसिड का कांस्टेंट हम इजीली समझ सकते हैं. एसिड व्हेनेवर डिसोसिएटेड टर्न्स इनटू एच पॉजिटिव एंड ए निगेटिव, इसके लिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें मिलेगा एच पॉजिटिव ए निगेटिव डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और establish a relationship between these three terms. कौन कौन से terms हमारे पास हैं? K, A, dissociation constant of acid, K, W, dissociation constant of water and hydrolysis constant. तो हमारे पास तीन equation मिली, एक equation ये रही, दूसरी equation water के terms में और तीसरी equation acid के terms में. Now if we divide, subdivide basically the KW by KA, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगी वैल्यू KW डिवाइडेड बाय KA इक्वल्स टू KW हमारे पास OH नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय KA, KA हमारे पास है H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए, अगर जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये ऊपर चली जाएगी कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए. नाउ
we can cancel out these two values. H positive concentration, H positive से cancel out हो जाएगी और value हमें मिल जाएगी concentration of OH negative, concentration of HA divided by concentration of A negative. Now we know this value OH negative, HA A negative, ये value ये KH को represent करती है, तो इसकी value हमें मिल जाएगी KW upon KA equals to KH. Now we have established a relationship between these three terms, that is KW upon KA equals to KH. अगर हमें acid की rate dissociation constant पता है, हमें water का dissociation constant पता है, तो हम easily hydrolysis constant भी निकाल सकते हैं. बहुत सरल तरीका है and we have the simple equation to establish a relationship between KW, KA and KH. इसके बाद हम एक नया रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में है. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमने अभी समझा और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में भी हमने ध्यान दिया, खास तौर पे एसिड का. अगर इस रिलेशन को हमें ध्यान रखना है तो हम के एच और डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इसके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं. हम जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो डिसोसिएट करेगा सॉल्ट के लिए. हमारे पास इक्वेशन है ए नेगेटिव व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर. इस इक्वेशन को हमें ध्यान देना है, रिवर्सिबल साइन हमें मिलेगा एच ए प्लस ओ एच नेगेटिव. ये इक्वेशन है, मान के चलते हैं, लेट अस सपोज द डिसोसिएशन कांस्टेंट द कंसेंट्रेशन, बेसिकली अगर ये पहले वन क्वांटिटी थी और ये जीरो जीरो था और इसमें से हमने देखा कि अगर अल्फा क्वांटिटी का एच पॉजिटिव एच ए और ओ एच नेगेटिव निकल गया तो यहाँ मिल जाएगा हमें वन अपॉन वन माइनस अल्फा. द कंसेंट्रेशन इज बेसिकली, दिस इज नॉट अ कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन इज नाउ दी व्हेन विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय वॉल्यूम वी विल गेट द कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर विल बी वन माइनस अल्फा. अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जहां पर इनिशियली वन था और इनकी वैल्यू जीरो जीरो थी, अगर अल्फा प्रोडक्ट में मिलता है हमें इसकी डिसोसिएशन मिलता है तो वन माइनस अल्फा हो जाएगा. इफ वी डिवाइड दिस वैल्यू बाय वी हमें कंसेंट्रेशन मिल जाती है और कंसेंट्रेशन हमारे पास ए नेगेटिव की है, एच ए की है और ओ एच नेगेटिव की है. हम जानते हैं इस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो डिसोसिएशन हाइड्रोलिसिस डिसोसिएशन है वैल्यू है कांस्टेंट की, वो हमें मिलेगी कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव. नाउ इफ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए ओ एच नेगेटिव एंड ए नेगेटिव, हमें वैल्यू मिलेगी अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा अपॉन वी. अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू वी, यानी ये वैल्यू किसकी है, के एच की. और के एच और अल्फा के बीच में हमारे पास ये रिलेशन बना कि के एच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू वी. लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें, अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो गया, ये ऊपर चला गया, कैलकुलेशन में हमें ये वैल्यू इजीली मिल गई. इफ वी कंसीडर दैट दिस अल्फा इज वेरी स्मॉल, डिसोसिएशन बहुत कम है, तो वन के रिस्पेक्ट में इसको हम बहुत कम मानेंगे, तो दिस विल बी द अल्फा माइनस वन व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेग्लिजिबल बिकम वन. तो के एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन वी. और हम जानते हैं के एच अभी हमारे पास रिलेशन में है के डब्ल्यू अपॉन के ए, तो हम इसको और समझ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के एच इंटू वी. के एच की वैल्यू हमारे सामने आई के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए और इंटू वॉल्यूम. अगर हम इसको वॉल्यूम को कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये इन वॉल्यूम को लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू वन अपॉन सी या सी इक्वल्स टू वन अपॉन वी. कंसेंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल है, तो अल्फा
is now become integration of kw upon ka into c, या हम इसको लिख सकते हैं into v, यानी alpha kw ka और kh के बीच में एक रिलेशन बना। यहां पर हम देखते हैं alpha square equals to kh into v, alpha की वैल्यू डिग्री द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द सॉल्ट इज इक्वल्स टू अंडर रूट kw upon ka into v। इसके माध्यम से हम आसानी से इसका पीएच मान निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास पीएच मान निकालने के लिए इसी केस का पीएच कितना होगा। ये डेफिनेट है कि ये एसिडिक, ये बेसिक नेचर है, तो हमेशा इसका जो पीएच आएगा वह आएगा ग्रेटर देन 7। पीएच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7 बिकॉज इट्स नेचर इज बेसिक आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कंसेंट्रेशन दैट ओ एच नेगेटिव। यहाँ पे हम जानते हैं अल्फा इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू वी। इस इक्वेशन से हम पी एच निकालेंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है इसको पी एच निकालने का। हम जानते हैं द कंसेंट्रेशन इसकी है अल्फा अपॉन वी, यानी द कंसेंट्रेशन ऑफ मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव इज इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। इफ यू विल टेक, इसके केस में हमें लेना है अगर ओ एच की वैल्यू इसके बराबर होगी, अगर हम इन इस इक्वेशन में दोनों साइड पर लॉग बेस 10 नेगेटिव फॉर्म का लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस लॉग 10 ओ एच नेगेटिव इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस, देखिए यहां पे माइनस के यहां प्लस आ गया, प्लस हाफ लॉग ऑफ के ए प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इसको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्मूला हमें बना, और हम जानते हैं इसको हम बोलेंगे पी ओ एच। पी ओ एच इज नाउ इक्वल टू हाफ ऑफ ये नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू को हम बोल देंगे पी के डब्ल्यू प्लस हाफ ऑफ पी, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे के ए प्लस हाफ लॉग ऑफ सी। ये हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हम जानते हैं इसके पी ओ एच की बात हम कर रहे हैं और हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू की बात करते हैं। हम जानते हैं पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। नाउ पी ओ एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट और जो पी एच है उसको हम एक अन्य तरीके से निकाल सकते हैं। ओ एच निगेटिव कंसेंट्रेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पे बताई थी अल्फा अपॉन वी। हम जानते हैं कि के डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है ओ एच नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव। तो ओ एच नेगेटिव हम जान हमारे पास है तो इससे हम एच पॉजिटिव निकाल सकते हैं। एच पॉजिटिव इज नाउ इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, और के डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इसकी, के डब्ल्यू की वैल्यू ओ एच नेगेटिव की वैल्यू रखते हैं अल्फा इंटू वी। वी वॉल्यूम को हम ऊपर ईजिली दिखा सकते हैं या हम इसको कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू सी, के डब्ल्यू अपॉन अल्फा इंटू सी। और अल्फा की वैल्यू हमारे सामने है अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। नाउ अगर हम इस अल्फा की वैल्यू एच पॉजिटिव में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा एच पॉजिटिव इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन अल्फा हमारे पास है नीचे, तो हम इसको लिख सकते हैं के ए इंटू सी अपॉन के डब्ल्यू, नीचे बच गया हमारा सी। अगर हम इसको अंदर लेके आए तो हमें वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट के डब्ल्यू
इंटू के ए डिवाइडेड बाई सी के डब्ल्यू, अगर इसको अंदर लें के डब्ल्यू स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से एक वैल्यू कट जाएगी तो हमारे पास के डब्ल्यू मिल गया, सी अंदर लेंगे तो सी स्क्वायर, सी से एक सी कट गया तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गया। नाउ दिस एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू रूट के डब्ल्यू के ए अपॉन सी। तो आगे बात करते हैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव इक्वल्स टू नाउ बिकम के डब्ल्यू इंटू के ए ऑफ डिवाइडेड बाई सी, इसमें हमने दोनों तरफ से नेगेटिव लॉगरिथम लिया तो इधर भी हम नेगेटिव बोल देते हैं, यानी अगर इसको प्रॉपरली लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे लॉग ऑफ इंटीग्रेशन के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइडेड बाई सी। इंटीग्रेशन है तो डेफिनेटली वी विल पुट द माइनस साइन, माइनस एज वेल एज हाफ, तो हम मिल जाएगी वैल्यू हाफ लॉग ऑफ, पहले हम ऊपर लिखते हैं के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग ऑफ के प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। तो ये वैल्यू अंडररूट को ओपन अप करने के बाद हमें मिली हाफ ऑफ लॉग माइनस लॉग पी के डब्ल्यू, लॉग के डब्ल्यू विल बिकम पी के डब्ल्यू एंड हाफ ऑलरेडी है तो माइनस हाफ पी के, माइनस यहाँ पे हट जाएगा, हाफ पी के डब्ल्यू इधर आ गया प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। नाउ पी के डब्ल्यू इज 14 डिवाइडेड बाई 2, इट इज हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी और यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई पी एच, हम जानते हैं पी एच इक्वल टू हो गया 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। नाउ दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन पी के ए लॉग सी एंड पी एच। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और द कंसेंट्रेशन वी कैन इजिली फाइंड आउट द पी एच वैल्यू, हम जानते हैं यहाँ पे पी एच वैल्यू में दोनों की वैल्यूज एडेड हैं तो यह पी एच का मान हमेशा 7 से अधिक होगा, ये इसका एक प्रूफ हमारे सामने आया। इसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल समझेंगे कि कैसे पी एच निकाला जाता है। इस इक्वेशन में हमने देखा था पी एच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी, इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट दी के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पी एच ऑफ 0.0625 mm सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट और हमें वैल्यू दी गई है के ए की, के ए इज इक्वल टू 1.754 × 10⁵। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब ये जो डिसोसिएशन है हमारे पास CH3CO नेगेटिव हाइड्रोलाइज होता है, क्योंकि ये जब डिसोसिएट होगा तो CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मिलेगा, तो ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस है सॉल्ट का, कॉन्जुगेट बेस विल गेट हाइड्रोलाइज विद वाटर और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें वैल्यू मिल रही है CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, हमें इसकी वैल्यू हमें मिल रही OH नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू हम देख रहे हैं, पहले ही इसकी वैल्यू थी 0.625 और ये जीरो था, जब हाइड्रोलिसिस होना शुरू हुआ तो ये बना 0.625, मान लेते हैं ये x अमाउंट का हाइड्रोलाइज हुआ तो ये वैल्यू मिलेगी 0.0625 माइनस x एंड ये दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी xx। तो हमें वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है पहले के एच, के एच इक्वल टू हमें मिलेगा कंसेंट्रेशन ऑफ दीज टूस यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.625 माइनस एक्स। अगर हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं इस वैल्यू को तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 0.625, यानी अब हमें वैल्यू अगर के एच की मिल जाती है तो हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर। के एच की निकालने के लिए हमारे पास एक सरल तरीका है, के एच की वैल्यू निकालने का एक रिलेशनशिप हमने अभी समझा था, तो के एच इक्वल टू हमें मिला था के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें के ए की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻¹⁴। क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू इक्वल टू होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसेंट्रेशन एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, तो एक की 10⁻⁷, दूसरे की 10⁻⁷, टोटल 10⁻¹⁴।
एंड डिवाइडेड बाय के ए, के ए की वैल्यू हमें मिली 1.754 इंटू 10^-5 हमें मिल जाएगी के एच की वैल्यू। जब हम इस के एच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं तो हमें लगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के एच इंटू 0.625। के एच की वैल्यू हमारे पास ही है, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और ये पहले से कैलकुलेट किया है हमने, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3.56 × 10^-10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो x इक्वल टू मिल गया अंडर रूट 3.56 × 10^-10, और ये कैलकुलेट करके निकला है 1.89 × 10^-5। मींस इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ x, तो हम x की वैल्यू हमारे पास है, के एच हमने निकाल लिया, क्वेश्चन में हमसे के एच निकालने के लिए बोला था, क्वेश्चन में के एच हम इस वैल्यू से मेथड से निकाल सकते हैं, और हम निकाल रहे हैं पीएच, पीएच निकालने के लिए हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो हम पीएच इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है ओएच नेगेटिव, ये जो कंसेंट्रेशन है ये है किसकी, एक्स के बराबर, तो यानी हमारे पास वैल्यू है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू है 1.89 × 10^-5। जब हम इसका पीएच निकालेंगे तो इसका पीएच, यानी अगर हम दोनों तरफ से नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं ओएच नेगेटिव का, तो हमें मिलेगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू 1.89 × 10^-5। इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन मिली है वो है 4.72, और इसको हम बोलते हैं पीओएच, पीओएच इक्वल टू 4.72। हमारे पास इन पूरी कैलकुलेशन से पीओएच की वैल्यू मिली। हम जानते हैं एक रिलेशनशिप है पीएच और पीओएच के बीच में, तो पीएच और पीओएच के बीच में अगर वैल्यू हम देखें तो होती है 14। तो हम इसी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं पीएच इक्वल्स टू 14 − पीओएच, 14 − 4.72। इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 9.28, यानी यह सॉल्यूशन कैसा होगा, यह सॉल्यूशन होगा बेसिक, और इसकी वैल्यू पीएच की होगी 9.28। दिस इज द वे हाउ वी विल सॉल्व एनी क्वेश्चन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द बिहेवियर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड सेक्शन, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी। तो यहाँ पर जब सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट में वीक एसिड हम ले रहे, वीक बेस ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं NH4Cl, जहाँ पर NH4OH और इसको बनाया गया है NH4OH और HCl के कॉम्बिनेशन से। NH4OH है वीक बेस और HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NH4Cl हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि खास तौर पे हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये सॉल्ट जब हाइड्रोलाइज होगा, मान लेते हैं हमने NH4Cl का NH4 पॉजिटिव लिया जिसको हमने B से इंडिकेट किया क्योंकि इसको इजीली समझा जा सकता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें इस देखते हैं, जब हम देखते हैं इससे पहले भी हमने समझा था, ये बी पॉजिटिव OH को ले लेगा तो हमें मिल जाएगा बी OH प्लस H पॉजिटिव, बी OH प्लस H पॉजिटिव मिला। तो जब हम समझते हैं कि इसका KH की वैल्यू, KH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि KH की वैल्यू होती है इसकी कंसेंट्रेशन ऑफ BOH, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। इससे पहले हमने कहा था कंसेंट्रेशन ऑफ H2O विल बी टेकन एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि यह क्वांटिटी बदलेगी नहीं, इसका कंसेंट्रेशन हम कॉन्स्टेंट लेते हैं, इसलिए हम KH की वैल्यू बोलते हैं KH इक्वल्स टू के बी ओ एच एच पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय B पॉजिटिव। अब इसके बाद हम जो एक रिलेशन स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं KH, KW, और यहाँ पे हम बेस की बात करेंगे तो विद KB, क्योंकि हमने सबसे पहले लिया है वीक बेस KB, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, हम KB की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास है बेस
और बेस का जब डिसोसिएशन होता है तो बेस का डिसोसिएशन मान लेते हैं बी ओ एच हमारे पास बेस था, इसका डिसोसिएशन होगा तो मिलेगा बी पॉजिटिव ऑब्लिक ओ एच नेगेटिव, एक इक्वेशन मिली। तो इससे हम के बी निकाल सकते हैं, के बी इज इक्वल टू बी कंसेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाई द कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और तीसरी इक्वेशन हम वाटर के लिए निकालते हैं, इसका के डब्ल्यू निकालने के लिए एच पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव। के डब्ल्यू इज इक्वल टू नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव, एंड हम एच टू की कंसेंट्रेशन पहले भी कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो इसको के डब्ल्यू को हम इस तरीके से, दिस विल बी टर्म्ड एज अ थर्ड इक्वेशन। हमारे पास तीन इक्वेशन बनी, 1, 2, 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए। तो के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है, तो यानी हम बोल सकते हैं के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए के सॉरी के बी, के डब्ल्यू इज नाउ एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम के बी से, के बी की वैल्यू हमारे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा बी पॉजिटिव ओ एच निगेटिव, और डिवाइडेड में बी ओ एच है तो ये ऊपर चला जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच। नाउ दिस वैल्यू ओ एच निगेटिव कंसेंट्रेशन सेम है, कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगी, एच पॉजिटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच डिवाइडेड बाई बी प्लस। हम देख पा रहे हैं कि एच पॉजिटिव बी ओ एच और बी पॉजिटिव की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है, के एच की इक्वल है। यानी इफ वी आर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर एज वेल एज बेस, तो देयर इज अ रिलेशन, और हमारे पास इक्वेशन में रिलेशन मिला के डब्ल्यू अपॉन के बी इक्वल्स टू के एच। इस रिलेशन को समझने के साथ साथ हम अगर थोड़ा फर्दर स्टडी करें तो हम इसके और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको करने का तरीका हमारे सामने है। इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द के एच एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के एच और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में, हम एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन थी बी नेगेटिव एच ओ एच बी ओ एच प्लस एच पॉजिटिव, हम जानते हैं इस केस में ये हमेशा एसिडिक नेचर का होगा और यानी इसकी वैल्यू 7 से कम होगी पीएच वैल्यू। हम यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी, इसकी वैल्यू मिलेगी अल्फा डिवाइड कंसेंट्रेशन मिलेगी अल्फा डिवाइडेड बाय वी, तो इसका के एच की जो वैल्यू हमें मिली वो मिली अल्फा डिवाइडेड बाय वी इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी। इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। इफ वी विल से अगर अल्फा की वैल्यू काफी नेग्लिजिबल है तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1 माइनस अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 1 के, तो के एच विल बिकम अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, इसको हम अल्फा स्क्वायर अपॉन वी यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि वॉल्यूम 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हमने 1 ले ली। इसको साथ में रखते हुए हम इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि अल्फा होगा रूट ऑफ के एच इंटू वी। वॉल्यूम जो है वह कंसेंट्रेशन के टर्म्स में भी समझाया जा सकता है, लेकिन हम अल्फा को के एच और वी के रेस्पेक्ट में समझ रहे हैं। के एच की वैल्यू अगर यहाँ पुट की जाए तो अल्फा विल बिकम अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू वी। यानी अगर हमें अल्फा और के डब्ल्यू के एच के बीच में रिलेशन देखना है तो ये रिलेशन स्टेब्लिश हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डब्ल्यू और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस के बीच में अगर रिलेशन देखना है तो ये स्टेब्लिश हुआ। इसी की मदद से हम इसका पी एच का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पी एच के लिए हमें एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस इक्वेशन से हमें काफ़ी आसानी से एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन मिल गई। एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हमारे सामने है अल्फा अपॉन वी, अगर वी के टर्म्स में देखें तो इजीली निकाल सकते हैं, सी के टर्म्स में देखें तो इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले हम वी इसको सी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखा जा सकता है अल्फा इंटू सी, क्योंकि सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी। तो यहाँ पे भी हमें इसको
C के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, यानी एच पॉजिटिव की वैल्यू हमें मिली अल्फा इंटू सी, अल्फा हमारे पास ऑलरेडी है यानी सी इंटू रूट के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी इंटू सी। अगर सी हम रूट के अंदर लें स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो गया तो सी से सी कैंसिल आउट, तो हमें मिलेगी वैल्यू के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी। जब हमारे पास वैल्यू के एच पॉजिटिव की इतनी मिलती है तो हम इन दोनों के इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करके पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में माइनस लॉग से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या चेंज आता है। लॉग रूट के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू पी एच, जानते पी एच का मैथमेटिकल फॉर्मूला माइनस लॉग एच होता है, इक्वल टू अगर माइनस हम लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस लॉग हाफ, अगर इसको ओपन अप करते हैं हम तो हाफ आगे आ गया, हाफ के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी, इधर लिख लेते हैं माइनस की जगह प्लस होगा क्योंकि नीचे है, प्लस हाफ लॉग के बी। नाउ पी एच इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने देखी पी एच होगी, तो यहाँ पे माइनस लॉग के डब्ल्यू को हम बोल सकते हैं पी के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी, इधर इधर वैल्यू चेंज होगी, इसको बोल सकते हैं माइनस हाफ पी के बी, क्योंकि हमें माइनस लॉग के बी की वैल्यू मिलती है वो है पी के बी, और माइनस में है तो हमने यहाँ पे साइन चेंज हो जाए। नाउ द पी एच बिकम, ये हम जानते हैं पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी। This is the relation which says that when the salt is being prepared by the weak base and strong acid, the pH of that solution, that hydrolysis, will always be smaller than 7. Smaller than 7 का मतलब होता है acidic. एक तो हम इसके basis पे समझ सकते हैं कि जब भी hydrolysis इस तरीके के salt की होती है तो वह solution हमेशा acidic होता है. दूसरी condition, हमने इसको proof किया कि pH की value 7 से minus है, यानी 7 से कम रहेगी, ये क्वांटिटी कम, इतनी क्वांटिटी कम, यानी पीएच की वैल्यू 7 से कम मींस द एसिडिक। इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, जहां पर केवी की वैल्यू हमें दी गई है 1.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसका सॉल्यूशन जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि NH4Cl का हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ। NH4 जब ब्रेक होता है तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलेगा। NH4 पॉजिटिव जब हाइड्रोलाइज होगा, वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा तो हमें मिलेगा NH4OH प्लस H पॉजिटिव। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमें अगर H पॉजिटिव की वैल्यू, इसकी कंसेंट्रेशन मिल जाती है तो हम pH निकाल सकते हैं। कि H पॉजिटिव निकालने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारे पास कंसेंट्रेशन जो दी गई है वो है 0.2। तो 0.2 इनिशियली जब हाइड्रोलिसिस नहीं था इसकी कंसेंट्रेशन थी 0, लेकिन एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मान लेते हैं अल्फा अमाउंट का इसमें से डिसोसिएशन हाइड्रोलाइज हुआ और हाइड्रोलिसिस के बाद इसकी कंसेंट्रेशन में ये चेंज आया। इसको निकालने के लिए हम अल्फा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमें एच पॉजिटिव आसानी से मिल जाता है, एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन मिलती है तो हम पीएच निकाल सकते हैं। और पीएच निकालने के लिए हम केएच की वैल्यू हमें निकालनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि केएच इक्वल टू हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन का उपयोग करके इक्वेशन मिली है वो इस तरीके से मिलेगी, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। केएच इक्वल टू इनकी कंसेंट्रेशन हम रख लें, हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव दैट इज 0.02 माइनस अल्फा। अगर हम इसको मानते हैं कि अगर काफ़ी कम डिसोसिएशन हुआ तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 0.2 के, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई अल्फा इक्वल टू के एच इंटू 0.20 का अंडर रूट। यानी अगर हमें अल्फा मिल गया, अल्फा क्या है, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है, हमें इसके लिए केएच की वैल्यू निकालनी होगी। अगर जो हमें अल्फा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, द वैल्यू ऑफ केएच इज इक्वल टू
इसका जो इक्वेशन हमारे पास है के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए के बी, बेसिकली हम एनएच फॉर ओएच की बात करते हैं तो बेस मिलेगा बी फॉर बेस, के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10^-14 डिवाइडेड बाई के बी इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 1.8 इंटू 10^-5। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे और ये ऑलरेडी इक्विलेटेड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो निकाल के रखा है, इसकी वैल्यू मिलेगी 5.56 इंटू 10^-10। हमें के एच की वैल्यू मिल गई 5.56 इंटू 10^6। हम अब इससे हम के एच की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अल्फा इज नाउ, अल्फा को अगर हम एच पॉजिटिव बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, एच पॉजिटिव इक्वल टू अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के एच, के एच है 5.56 10^-10 इंटू 0.2, ये वैल्यू हमें मिली। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी और अल्फा की वैल्यू हमें हमारे पास है 1.053 इंटू 10^-5। ये अल्फा कंसेंट्रेशन है, हम इसको मोल प्रति लीटर बोल देंगे, मोलरिटी। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एच पॉजिटिव, तो एच पॉजिटिव की वैल्यू में अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं उसकी वैल्यू होती है पीएच के बराबर, जो कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन है, माइनस लॉग और ऑफ दिस वैल्यू 1.053 इंटू 10^-5, इट विल बिकम आफ्टर टेकिंग द नेगेटिव लॉगरिथम 4.98। इसका मतलब पीएच निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए था अल्फा, अल्फा निकालने के लिए हमें चाहिए केएच, तो जो इक्वेशन जो रिलेशंस हैं उनका हम इजीली यूज करके पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। द पीएच विल बिकम 4.98 और 4.98 जो कि एसिडिक बिहेवियर बताता है और एसिडिक बिहेवियर एच पॉजिटिव के होने से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये तीसरे तरीके का, तीसरी कैटेगरी का सॉल्ट है जिसमें हम वीक एसिड और वीक बेस दोनों को लेते हुए इसका जो सॉल्ट बना है उसके हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, जिसमें हम के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, के डब्ल्यू वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और के बी, इन चार पैरामीटर्स के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और एल के एच और अल्फा के बीच में भी रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि ए पॉजिटिव यानी कोई एसिड है तो उसका ए नेगेटिव बोलते हैं, और अगर कोई बेस है उसके लिए हम बी वर्ड यूज कर सकते हैं, एसिड के लिए हम ए यूज करते हैं, बेसिक के लिए बी। तो इनके जो कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट बेस है, जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें डेफिनेटली मिल जाएगा एच ए प्लस बी ओ एच, यानी जब हाइड्रोलिसिस वीक एसिड का होगा बी सॉल्ट में तो हमें इसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस और एसिड मिलेंगे तो उनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। इसी क्वेश्चन के लिए हम के एच निकाल सकते हैं, के एच हमें मिलेगा कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव एंड इंटू द कंसेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव। दिस इज द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट निकालने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये इसको हम कंसेंट्र एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमने इस रिलेशन एस्टेब्लिश करना है के डब्ल्यू के और के बी के बीच में, तो इनके लिए भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वाटर के डब्ल्यू निकालने के लिए हमें वाटर का हाइड्रोलिसिस समझना होगा, एच पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव, के डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल जाती है कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव, दैट कैन बी ट्रीटेड लाइक एज अ सेकेंड इक्वेशन। द थर्ड वन इज एसिड। एसिड हमारे पास है एच ए, एच ए जब डिसोशिएट होगा हमें मिलेगा एच पॉजिटिव और ए माइनस ए निगेटिव, और इसके लिए हम के ए निकालेंगे तो के ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए, इट कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस, बी ओ एच विल फर्दर डिसोशिएट एंड हमें मिल जाएगा बी पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव। इसके लिए हम निकालेंगे के बी, के बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच,
वी कैन कंसिडर इट एज ए क्वेश्चन नंबर 4। इन सब इक्वेशन का यूज करते हुए हम अगर इक्वेशन 2, 3, और 4 का यूज करें, जैसे कि हम के डब्ल्यू यानी इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करके करें, अगर इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से डिवाइड करें, तो हमें मिलेगा के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। के डब्ल्यू हमारे पास है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम के ए से, तो के ए से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एच पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय एच ए है तो ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी, इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एच ए। हमने डिवाइड करना है के बी से, इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो हमें मिलेगा बी पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, और ये जो नीचे है ये चलाएगा ऊपर मल्टीप्लाइड कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ओ एच नेगेटिव ओ एच नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया, एच पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो गया, तो हमें वैल्यू मिल गई कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव। दिस इज नाउ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल मिल गई, के एच के इक्वल मिल गई। तो दिस कैन बी अ मेथड बाय व्हिच वी कैन इजीली एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दीस 4 पैरामीटर्स के डब्ल्यू के ए के बी एंड के एच। इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं जब भी हमें के एच की वैल्यू निकालनी हो, हमें वाटर का डिसोल्यूशन कांस्टेंट पता है, एसिड का पता है, बेस का पता है, तो हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन में हम कंसंट्रेशन को लें तो हम इनकी अल्फा की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। हमारे पास ये रिलेशन बचा के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी इक्वल टू के एच। अगर हम इसको कंसंट्रेशन ले लेते हैं तो कंसंट्रेशन के माध्यम से अल्फा और के एच के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। मान के चल दें ये 1 था, इसकी कंसंट्रेशन थी 0, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज 1 माइनस अल्फा, इट इज अनदर 1 माइनस अल्फा, इसको मिल गया अल्फा और इसी कंसंट्रेशन में मिल गई अल्फा। तो के एच को हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एच ए है अल्फा, तो ये हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये वैल्यू सिंपली कर हम इसको कंसंट्रेशन मानते हैं। तो कंसंट्रेशन अगर हम दिखाते हैं तो सिर्फ डिसोल्यूशन कांस्टेंट मिला हमें, हम इसको वी से भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो कंसंट्रेशन इज नाउ अल्फा अपॉन वी, और यहाँ पे भी वैल्यू हमें मिले अल्फा अपॉन वी। और इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ फिर से पुट करें वैल्यू बदल जाएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इधर भी मिल गया अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो फिर हमें वही वैल्यू मिल गई अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यानी के एच कैन बी इजली इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, आसानी से निकाला जा सकता है इसकी मदद से। अब अगर हमें इसकी एसिडिटी निकाल दैट पीएच की वैल्यू निकालनी है, तो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि एच पॉजिटिव की वैल्यू क्या होती है, एच पॉजिटिव वैल्यू, और उस एच पॉजिटिव से ही हम आसानी से पीएच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एच हम जानते थे कि के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या है, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है के एच के बीच में, कि तो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी अभी, और इसके पर बेसिस पे हमने एक इक्वेशन और एक रिलेशन और जानने की कोशिश की थी, और वो रहा के एच के मान, के एच इक्वल टू हमें मिला था अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम अगर अल्फा को इनफैक्ट बहुत सूक्ष्म मानते हैं, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें सिर्फ अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर को हम इजीली यानी अल्फा को बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ के एच, और के एच की वैल्यू हमारे पास सामने है, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। हम जानते हैं इसको पूरा ध्यान जब हमने रखा था तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक एसिड है, तो एच ए को हमने एसिड बोला था, इसका डिसोसिएशन हमें मिलेगा एच पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो इसके लिए हम के ए निकाल सकते हैं, के ए हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एच ए। और अगर इसको 1 माइनस अल्फा हम बोलते हैं, इनको अल्फा बोलते हैं, और इनकी डिवाइडेड बाय बी का कंसंट्रेशन निकाल लें हम,
तो हमें इनकी के ए की वैल्यू मिल जाएगी, और के ए की वैल्यू मिलेगी अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर इसको सिंपली लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, या इसको बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, या इसके लिए बोला जाए अल्फा स्क्वायर इंटू सी। 1 अपॉन वी कोस्ट होता है सी। तो अल्फा की वैल्यू हमारे सामने है, और हम अगर सिंपली इसमें एच पॉजिटिव निकालें तो एच पॉजिटिव की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, और एच पॉजिटिव की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, इसी इक्वेशन से हम एच पॉजिटिव निकाल सकते हैं। एच पॉजिटिव इक्वल टू हो गया के ए इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव। के ए इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए हमारे पास है 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव हमारे पास अल्फा अपॉन वी, ये वी वाला वैल्यू हमें मिल गई, तो ये हमें मिल गया के ए अपॉन अल्फा। अगर इसको हम ए की वैल्यू का कंसेंट्रेशन यहाँ पर रखते हैं तो के ए अपॉन अल्फा, के और अल्फा की अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करें तो हम इस इजिली पी एच निकाल सकते हैं बाई पुटिंग दी नेगेटिव लॉगरिथम ओवर हियर। यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम हम लें, अल्फा की वैल्यू पुट करें तो हमें के ए के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश बन जाए हो जाएगा। और यही सरल तरीका जो हमने पिछले दो मेथड्स में निकाला तरीका हमने वही यूज किया है, और इसी तरीके से हम हाइड्रोलिसिस के कांस्टेंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इसको और फर्दर अप्लाई करके आप पी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यही तरीका है जिससे हम किसी भी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसके साथ साथ उसके पीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सेक्शन कंप्लीट हुआ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट यू कैन मेल मी आउट, इस मेल पे आप इजीली अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम बाकी फर्दर क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।